हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है और आज हम सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल्स को देखेंगे और उनको एक नए फॉर्मेट में देखेंगे। तो अगर आपको पसंद आएगा तो हम इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हम अपना कंटिन्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से बनाया है मैंने। अब सबसे पहले वाले आर्टिकल में, क्योंकि ये चाइना के ऊपर है और बहुत टाइम से हम चाइना के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और चाइना के हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए चाइना के वाले क्वेश्चन के मामले में हम बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि देखिए, चाइना का जो एग्रेशन है, आप बैकग्राउंड आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार बहुत क्विकली मैं बता देती हूँ कि चाइना ने PLA का एक बड़ा बिल्डअप जो है मेंटेन करके रखा हुआ है हमारे LAC पर। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पहले चाइना ने नहीं होल्ड बनाया हुआ था, फिलहाल होल्ड बना के रखा हुआ है। इस डिस्कशन में जब हमारे सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सारे 23 पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे चाइना का और इंडिया का जो है डिस्प्यूट है, प्लस हम वो 4 पॉइंट्स को और देखेंगे जहाँ पे जो है इंडिया का डिस्प्यूट नहीं था पहले, बट इस वक्त चाइना ने उसको डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में सामने पेश किया है। तो अब इस वाले आर्टिकल से हमें क्या पढ़ना है? पहला, जो दो बेसिक चॉइसेस हैं इंडिया के सामने चाइना के इस एग्रेशन के लिए, पहली चॉइस है या तो हम इस टेरिटोरियल लॉस को एक्सेप्ट कर लें एज अ फिएट कंपनी, क्योंकि देखिए चाइना ऑलरेडी बिल्डअप कर चुका है, इंडिया के वहाँ पे फोर्सेस कम हैं, तो यूनिलेटरली अगर चाइना विदड्रॉ नहीं करता है तो इंडिया के पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इस टेरिटोरियल लॉस को एक्सेप्ट कर लें या फिर हम नेगोशिएट करें और रिवर्सल करें स्टेटस क्वो का। ये दो चॉइसेस हमारे पास। अगर हम ये दोनों चीज़ें करते हैं, दोनों ही चीज़ें इंडिया के फेवर में नहीं हैं, दोनों ही चीज़ों में क्या होगा कि चाइना का जो एग्रेशन है वो बढ़ेगा LAC की तरफ, साथ साथ बीजिंग की जो पीसफुल राइज है और ट्रेडिशनल डिज़ायर थी स्टेटस को मेंटेन करने की इंडिया के साथ, वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और यहाँ पे बीजिंग को एक अपर हैंड मिलेगा। तो वो जो है बाकी कंट्रीज़ भी देख रही हैं और इंडिया को ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। अब देखते हैं कि इंडिया चाइना इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहा है, तो व्हाई चाइना इज़ शोइंग दिस मच एग्रेशन। पहली चीज़ ये है कि देखिए, न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली का जो स्टैंड था अक्साई चिन के ऊपर, वो चाइना के साथ सही नहीं बैठा है। बीजिंग जो है इसको देखता है कि चाइना एंटे को अप कर रहा है इस रीजन में। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है LAC के आसपास, जैसे कि हमने जो है अपना बेक ओल्डी जो रोड है उसको बिल्ड किया है, और भी हम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से स्पीड अप कर रहे हैं LAC में, तो इसको ये चाइना को पसंद नहीं आ रही। चाइना ऑलरेडी वहाँ पर बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कर चुका है, बट इंडिया के द्वारा एक्टिविटी करना जो है चाइना को नागवार गुजर रहा है और इसीलिए चाइना जो है एग्रेशन कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि चाइना का जो कंस्ट्रक्शन था CPEC में और काराकोरम में, वो उस पर जो है इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया था, और ये जो इंडिया का क्रिटिसिज्म था ये चाइना को पसंद नहीं आया है और चाइना इसको कहीं ना कहीं एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसी पे जो है कहीं ना कहीं रिएक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। अब चौथी चीज़ क्या है कि हमारे चाइना के एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है इंडिया के लिए, और मैसेज है कि आप जो है चाइना से डर के रहिए, चाइना एक सुपर पावर है, और जैसा कि चाइना का कहना होता है कि एक एरिया में दो टाइगर नहीं रह सकते, तो वो इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे को एशियन टाइगर्स के रूप में प्रेजेंट करती हैं। ऐसे में चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को शो कर रहा है कि वो एक बड़ा ब्रदर है और इंडिया को एज ए यंगर ब्रदर के रूप में उसे डर के रहना होगा। ये मैसेज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये मैसेज बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है, जो छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया का एक गुडविल अच्छी है। फॉर एग्जांपल कोलंबो है, जो हाल फिलहाल में चाइना से दूर हटती हुई नज़र आई है और इंडिया के क्लोज़ होती हुई नज़र आई है, क्योंकि डेट डिप्लोमेसी जो चाइना ने की थी कोलंबो में, उससे जो है कोलंबो चाइना से खफा है। तो इंडिया को धमका करके कहीं ना कहीं वो कोलंबो पर इनडायरेक्टली जो है धमकी देने की कोशिश कर रहा है। काठमांडू ऑलरेडी इस वक्त जो है चाइना के से बहुत ज़्यादा स्टारी आइड है, वो हमने देखा था, और काठमांडू खुद भी इंडिया के साथ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और हैनोई वगैरह के लिए ये जो है मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है पूरी पूरी चाइना की तरफ से, और ये कंट्रीज नोट भी करेंगी इस पॉलिटिकल मैसेजिंग को। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है, जो चाइना ने LAC पे हमारे साथ विवाद खड़ा किया है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए कोविड का जो पैंडेमिक था उस पर क्वेश्चनिंग की जा रही है, अभी तक इसमें क्लीन नहीं आया है चाइना। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो है मैरिटाइम डिस्प्यूट चल रहे हैं। तीसरी चीज़, चाइना USA के साथ इसका जो है डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसे में इंडिया के साथ डिस्प्यूट लेना वो अपने आप के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, बट चाइना ये सिग्नल करता है कि वो प्रेशर मल्टीपल फ्रंट्स पे आसानी से ले सकता है, और ये चाइना की कहीं ना कहीं ये सिग्नलिंग और चालाकी वाली टैक्टिक हो सकती है।
अब चाइना ऐसे में एक फुल फ्लेज्ड वॉर क्यों नहीं करता हमारे साथ, लिमिटेड स्कोप क्यों कर रहा है, मिलिट्री एक्सपेडिशन लिमिटेड एरिया पे क्यों कर रहा है? देखिए चाइना का जो स्टैंड रहा है, चाहे वो डोकलाम का हो, चाहे वो पांगोंग सू का हो, या अभी हाल फिलहाल का जो हम पीएलए का देख रहे हैं, तो ये जो चाइना का एग्रेशन है ये बीजिंग का तरीका है कंसिस्टेंटली और मिलिट्रीली इंडिया को रिस्पॉन्ड करने का। डोकलाम के आफ्टरमैथ में ये कंसिस्टेंटली इंडिया को रिस्पॉन्ड कर रहा है और मिलिट्री अपना अप कर रहा है, मिलिट्री के प्रेजेंस बढ़ा करके इंडिया को के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहा है चाइना। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है पीएलए के लिए, मतलब पीपल्स जो आर्मी है वहाँ की उसके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि देखिए इंडिया एक न्यूक्लियर नेशन है। ऐसे में चाइना डायरेक्टली जो है फुल फ्लेज्ड वॉर अब नहीं कर सकता, 1962 वाला इंडिया अब नहीं है। अब अगर वॉर होगा तो वो कहीं ना कहीं सभी को डर रहेगा कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़े ना, तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड जो है इंटरफेयर करने लगेगा, इसीलिए चाइना फुल फ्लेज्ड जो है डिस्प्यूट इंडिया के साथ नहीं करेगा। एक छोटे से पीस ऑफ लैंड को ग्रैब करने के लिए ये क्रैप कर ले रहा है, तो ये क्या है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इसको इग्नोर करना चाहेगा, क्योंकि अब अगर इंडिया इसको जो है अप करता है एंटे, और इंडिया अगर कहीं अपनी जो है टेरिटरी वापस लाने के लिए अगर वॉर को लेता है तो ब्लेम फिर इंडिया के ऊपर आ जाएगा कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ नहीं किया और इस तरह से ये जो है एक दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में वॉर खड़ा कर दिया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है इंडिया को प्रेशराइज करने की। दूसरी चीज़ ये एस्केलेटरी कम है, एस्केलेशन नहीं होगा यहाँ पे, ये चीज़ चाइना को मालूम है कि एस्केलेशन नहीं होगा और इसीलिए वो इस मैसेज को कन्वे कर रहा है कि आप जो है लाइन में आ जाइए। अगर इंडिया इस तरह के छोटे छोटे एडवेंचरिज्म को चाइना का इग्नोर कर देता है तो पीएलए और ज़्यादा अटेम्प्ट होगा कि वो और ज़्यादा इस तरह के प्रेशर पॉइंट डाले और इंडिया को एक टाइट स्पॉट में लेकर के आए। तो अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के पास अब क्या क्या जो है ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ है कि हम टिट फॉर टैट मिलिट्री कैंपेनिंग कर सकते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर पीएलए रिलेटिवली वीक है। देखिए एलएसी के हमारा एक बड़ा बॉर्डर है और कुछ एरियाज़ हैं वेस्टर्न सेक्टर में, अगर आप बात करें तो पीएलए का प्रेजेंस अच्छा है, यहाँ पे इसको टेरेन का जो है एक एडवांटेज मिलता है, और अक्साई चीन वाले एरिया में 1950s से ही इसने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर लिया था। ये हमने तिब्बत वाला जब डिस्कशन किया था उस वक्त, एलएसी का जब हमने डिस्कशन किया था उस वक्त मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी। तो चाइना जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में हमारे ऊपर प्रेशर पॉइंट इसलिए डाल रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक बेटर सुपीरियरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में और टेरेन के टर्म में। तो इंडिया क्या कर सकता है, सिमिलर जो है मिलिट्री कैंपेन्स कर सकता है उन एरियाज़ में जहाँ पर पीएलए रिलेटिवली वीक है, स्पेसिफिकली मिडल सेक्टर में वो थोड़ी सी वीक है और थोड़े ईस्टर्न सेक्टर में वीक है, यहाँ पे हम प्रेशर पॉइंट कर सकते हैं और जब तक चाइना वहाँ से विड्रॉ नहीं करता हम भी यहाँ से मिलिट्री कैंपेनिंग कर सकते हैं। इसको जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई गलत नहीं कहेगा और हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, और ऐसे में जो है इंडिया को एक जो है प्रेशर पॉइंट मिलेगा, ट्रिगर मिलेगा जहाँ से हम इंडिया चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैरीटाइम जो है डोमिनेंस चाइना की इतनी अच्छी नहीं है, मैरीटाइम डोमिनेंस वीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो मैरीटाइम इंडिया की जो नेवी है वो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडियन नेवी को कंस्टेंटली जो है अब बहुत सारी थ्रेट से जूझना पड़ता था, जैसे कि हमें जो है पायरेसी की थ्रेट से जूझना पड़ता था, एक बड़ा हॉट बेड था पायरेसी का इंडियन ओशन, इस वजह से हमारी जो नेवी है नेवल पावर है वो थोड़ी सी चाइना से बेटर है। उसके अलावा क्वाड के साथ में आ जाने से हमें जो है बाकी क्वाड के जो पार्टनर्स हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम अपनी जो नेवल सुपीरियरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये नेवल रूट देखें, इंडियन ओशन का रूट देखें या साउथ चाइना सी का रूट देखें, ये दोनों चीज़ें चाइना के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का एक बड़ा जो ट्रेड रूट है, एनर्जी की सिक्योरिटी है, वो इस मैरीटाइम रूट से गुजरती है, तो इसीलिए चाइना को हम जो है मैरीटाइम डोमिनेंस वीक है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे हम प्रेशर पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इसको हम स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हम जो है टफ टॉक कर सकते हैं और नेगोशिएशन कर सकते हैं, $100 बिलियन का जो ट्रेड हमारा होता है चाइना के साथ उस पर चाइना को जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर ला सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड बैरियर्स उसके लिए खड़ा कर सकते हैं, ट्रेड में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए उसको जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, और चाइना जो है एक बनिए चाइना एक जो है बड़े
बिजनेसमैन की तरह है, और बिजनेसमैन कभी भी अपना बिजनेस में घाटा नहीं होने देता। तो जहाँ हम जो है मिलिट्री वो हमसे जूझता रहेगा, और राजीव गांधी के टाइम के बाद से जहाँ पे हमने जो है डीकपलिंग कर दी थी ट्रेड की और मिलिट्री की, बॉर्डर इश्यूज़ की, तब से चाइना को एक एडवांटेज मिला है और वो ये डीकपलिंग करके रखता है। तो हम इसको दोबारा से रिकपल कर सकते हैं कि आप बायलेटरल इश्यू जब तक हमारा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम ट्रेडिंग आपके साथ पहले की तरह मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में नहीं करेंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तुरंत चाइना जो है लाइन में आ सकता है, चाइना को हम जो है इन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम चाइना को प्रेशराइज कर सकते हैं। अब कंक्लूजन के लिए ये लाइन्स अच्छी हैं। देखिए जो ये एज ऐसी नहीं है कि हम चाइना की जो है बात मानते जाएँ और चाइना की इंटिमिडेशन की स्ट्रैटेजी के सामने झुक जाएँ। ये टाइम ऐसा है कि हम चाइना को चेकमेट करें उसके मिलिट्री एग्रेशन में, एग्रेशन के लिए, और हमारे पास एक अच्छा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ, उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। चाइना की अगर बात करें तो ये हम मान सकते हैं कि हमारा चाइना के साथ एक पावर डिफरेंस है, बट इंडिया को ये जो लैंड ग्रैब के अटेम्प्ट है इनके सामने, चाइना के सामने नहीं झुकना होगा और मिलिट्री इंटरमीडिएशन में नहीं आना होगा, क्योंकि चाइना एक बुली है और बुली से हमेशा जो है अगर आप दब जाते हैं एक बार तो और ज़्यादा बुलिंग करता है। चाइना, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना हमारे एक नेक्स्ट डोर पे एक सुपर पावर है, बट अगर इसको हम किस तरह से डील करेंगे, इस चैलेंज को किस तरह से डील करेंगे, ये एज अ नेशन हमारी जो है स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को एक्सपोज करेगा। तो हमें एज अ नेशन जो है इस थ्रेट को बहुत पॉजिटिवली लेना है और चाइना के सामने झुकना नहीं है, और चाइना को जो है ये चाइना की जो है इस तरह की टैक्टिक्स से घबराना नहीं है और उसको जो है ठीक से हैंडल करना है। उसके सामने अगर हम दब जाते हैं तो हम इसको सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ये हमारा जीएस पेपर 2 का आर्टिकल था, इंटरनेशनल रिलेशंस का आर्टिकल था। इसको आप और सप्लीमेंट कर सकते हैं या आप जो है देख लीजिएगा। मैंने इंडिया चाइना स्पेशल करके एक डाल रखा था, LAC स्पेशल करके डाल रखा था, वहाँ पे आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इंडिया चाइना की। तो ये सारे आप एक साथ देखेंगे तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल G7 से रिलेटेड है, G11 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन, मैंने हमारा जो डेली आंसर राइटिंग का चैलेंज का जो क्वेश्चन है कि G7 वॉज बाउंड टू बी रिप्लेस बाई ए वाइडर मल्टीलेटरल फोरम, हाउएवर इट्स मॉर्फोसिस इनटू G11 इज नॉट फ्री ऑफ वेरियस इनिशियल शॉर्टकमिंग्स दैट मार्ड G7 कमेंट। मतलब G7 को रिप्लेस होना भी था आज नहीं तो कल, पर इसकी जो मॉर्फोसिस है G11 में जो मॉर्फोसाइज हुआ है वहाँ पे भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग है और ये शॉर्टकमिंग दूर नहीं हुई है, तो इस बारे में हमें कमेंट करना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो है वाइडर एक जो है नीड बतानी है कि क्या नीड थी मल्टीलेटरल फोरम्स की। तो ये आप बना सकते हैं खुद से, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको जो एक पॉइंटर दिया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बता दीजिएगा टेलीग्राम के हमारे चैनल पे या टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो आपको इंट्रो भी मैं एक दे दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी में हमें क्या लिखना है। तो बॉडी में हमें लिखना है G11 क्या है उसके बारे में। G11 क्या है, G7 को एक्सपेंड किया जाएगा 4 कंट्रीज़ को ऐड करने के लिए। वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया की बात करें तो इन्होंने जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, इनविटेशन दिया आया था एक्चुअली। G7 का इस बार जो चेयर है वो US में है और USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इनविटेशन आया था कि हम लोग जो है G11 को अटेंड करें, और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि G7 को एक्सपैंड करके G11 के फॉर्मेट में परमानेंटली कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो प्रपोज G11 है उसके अंदर G7 प्लस ये 5 कंट्रीज़ होंगी। रशिया ने अपना जो है कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है और उसने कहा है कि अगर उसको इक्वल की तरह ट्रीट किया जाएगा तभी वो G11 को ज्वाइन करेगा। USA का रेशनल क्या है इस एक्सपेंशन के पीछे, तो ये कहीं ना कहीं USA का तरीका है कि उसके जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं उनको एक साथ एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, लेकर के आए, जिससे कि हम ये देख सके कि हमें USA देख सके कि उसे चाइना के साथ कैसे डील करना है। अब इस G11 में आने से इंडिया के लिए क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इंडिया को रिकॉग्निशन मिलेगी उसके ग्लोबल वॉइस पर, इंडिया को ग्लोबली जो है एक रिकॉग्निशन मिलेगी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की जो आवाज़ है वो मजबूत होगी। दूसरी चीज़, इंडिया को एक पोजीशन मिलेगी वर्ल्ड के रिचेस्ट नेशंस के बीच में। G11 क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं G11 की। पहली प्रॉब्लम है कि कॉम्पोजिशन को चेंज करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए बाकी मेंबर्स का। अभी तक बाकी मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि G7 का जो आइडिया है, एक्सपेंशन का आइडिया है, वो फ्रुक्टिफाई हो भी।
दूसरा है कि कंसर्न्स है इंडिया के रशिया के इंक्लूजन को लेकर के, जिस जो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है कि ये एक्सेप्टेबल ना हो बाकी G7 नेशंस के लिए। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि G11 का जो ऑब्जेक्टिव था कि न्यू कोल्ड वॉर को, ये जो ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे USA अपनी एलाइज को लेकर आता है चाइना के क्वेश्चन पे, तो इससे क्या है कि नए कोल्ड वॉर की जो प्रॉब्लम, ये नए कोल्ड वॉर का जो एक थ्रेट है ये कहीं ना कहीं रियलिस्टिक कन्वर्ट होता जा रहा है। ऐसे में चाइना जो है इंडिया के मूव्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगा। 1962 के अगर हम युद्ध की बात करें तो हमारा जो 1962 में एक वॉर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि USA के जो CIA ऑपरेटिव्स थे वो तिब्बत के अंदर छुप करके तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ को जो है सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में जब दलाई लामा जो, जब इंडिया ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तिब्बतियंस को, तो चाइना को ये लगा कि USA और इंडिया एज एन एक्सेस के रूप में काम कर रहे हैं, USA इंडिया और रशिया का ये एक्सेस के रूप में काम कर रहे हैं तीनों कंट्रीज़, और इससे जो है इंडिया चाइना जो है अलग थलग पड़ जाएगा। तो प्री एम्प्टिवली चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। अब जब हम इसकी बात करें G11 की, अगर हम बात करें तो G11 में USA तो ऑलरेडी है ही, ऑलरेडी है G7 में, फिर G11 के अंदर इंडिया को इंक्लूड कर लिया, रशिया को इंक्लूड कर लिया। अगेन जो चाइना को ख़तरा लगेगा वो ये है कि रशिया इंडिया और चाइना का एक्सेस बन जाएगा, इससे जो है चाइना को, चाइना जो है कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ सकता है, चाइना को काटा जा सकता है। तो अगेन चाइना जो को इंडिया चाइना जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर पॉइंट, प्रेशर के रूप में प्रेशर बढ़ाने के लिए अटैक कर सकता है। ऑलरेडी अभी एक PLA का जो है एग्रेसिव एटीट्यूड है LAC के ऊपर, LAC का विवाद ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में ये जो है हमारा कंसर्न्स को बढ़ाता है, नए कोल्ड वॉर में इंडिया को पुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप G7 की बात करें तो ऑलरेडी G7 में डीप डिफरेंसेस थे इनके मेंबर नेशंस के बीच में, बहुत सारे इश्यूज पे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे डिफरेंसेस हैं, सिक्योरिटी के एरिया पे डिफरेंसेस हैं, ईरान के क्वेश्चन पे डिफरेंसेस हैं। ऐसे में G7 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चेंज ना होना, बस G7 का एक्सपैंड होकर के G11 का कन्वर्ट हो जाना, G11 में कन्वर्ट हो जाना, इन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड है G11 के मामले में, तो इंडिया को जो है इस नई ग्रुपिंग की एफिकेसी को अच्छे से इवैल्यूएट करना है और पुश करना है कि हम एक इंक्लूसिव, प्रैग्मेटिव और इक्विटेबल मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर की निर्माण करें, जहां पे शेयर्ड फ्यूचर की बात हो, ह्यूमैनिटी के शेयर्ड फ्यूचर की बात हो और हेगेमोनिक ओलिगोपोलाइजेशन की बात ना हो। G11 कुछ नहीं बल्कि एक हेगेमोनिक ओलिगोपोलाइजेशन है और इसको जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्ट किया जाएगा, न केवल चाइना के द्वारा बल्कि अफ्रीका, ब्राज़ील और बाकी जो हमारे कुछ नेशंस हैं जो पीछे रह गए हैं, अफ्रीका की बात हो गई, ब्राज़ील हो गई, मेक्सिको हो गई, ये कुछ नेशंस हैं जो इंडिया के लिए अच्छे एलाइज के रूप में काम कर सकते हैं मल्टीलेटरल फोरम्स में। अगर इंडिया G11 को में आ जाता है और बिना इन चीज़ों पे बात किए आता है तो कहीं ना कहीं हम जो है अफ्रीका को अपने आप से अलग तोड़ देंगे, ब्राज़ील को अलग कर देंगे और इससे फिर अगेन अफ्रीका, ब्राज़ील, मेक्सिको और चाइना, इनका जो है नेक्सस बनने की संभावना पूरी पूरी है और इससे हमारी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अगेन हमारे फेवर में नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ें हैं जो इंडिया को सोचनी है, उसके बाद स्ट्रैटेजाइज करना है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है कर्व्स एंड रिकवरीज। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया को फोकस करना है कि हम मॉर्टेलिटी रेट को लो रखें। तो पॉइंट क्या क्या हमें देखने हैं इस आर्टिकल से, पहली चीज़ ये है कि रिकवरी रेट क्या है। रिकवरी रेट इंडिया का इम्प्रूव हो रहा है कंसिस्टेंटली और डेथ रेट हमारा 2.79% है, 3 जून को था 5 बजे। तो अब रिकवरी रेट हमने देख लिया, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। रिकवरी का मतलब, रेट का मतलब है कि रेट जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं स्टेट ऑफ इन्फेक्शन से स्टेट ऑफ रिकवरी की तरफ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 लोग हैं जिनको इन्फेक्शन है, इसमें से मान लीजिए 20 लोग जो है रिकवर कर गए तो रिकवरी रेट हमारा 20% हो जाएगा। तो कितने लोग जो है इन्फेक्शन की स्टेट से और नॉन इन्फेक्शन की स्टेट में आ जाते हैं या रिकवरी की स्टेट में आ जाते हैं, उसको एज ए परसेंटेज अगर हम शो करें उसी को रिकवरी रेट कहा जाता है। रिकवरी रेट इंक्लूसिव ऑफ पीपल हु पॉजिटिव टेस्टेड और डिस्चार्ज, उनकी रिकवरी रेट इंडिया में 48% है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है हमारे कोविड के जो केसेस हैं उसके बढ़ते में, ये एक सिल्वर लाइनिंग है। पर इंडिया को और क्या करना है, इंडिया को फोकस करना है कि हमारी मॉर्टेलिटी जो है लो रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं कि अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को हम प्रोटेक्ट करें।
दूसरी चीज़ हमें फोकस करना है सिक पेशेंट्स के ऊपर, तीसरी चीज़ हमें ये फोकस इंश्योर करना है कि जो भी पॉजिटिव और असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको जो है एक्सेस मिले केयर का जब भी उनके सिम्टम्स डेवलप हो जाएं। नेक्स्ट हमें करना है कि डीस्टिग्मेटाइज करना है कोविड-19 के इन्फेक्शन को और लोगों को इन्फॉर्म करना है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि जब भी उनके सिम्टम्स डेवलप हों तो वो आगे बढ़ के आ सकें। फिर हमें ये एश्योर करना है लोगों को कि जब भी जो भी लोग एक्सपोज हुए हैं कोविड के वायरस से उनको ये हमें एश्योर करना है कि उनको जो है कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक्सेस मिल जाएगा। तो ये कुछ हमें स्ट्रैटेजीज़ आगे फोकस करनी है जिससे कि हमारा जो मोर्टैलिटी रेट घट सके और हमारे जो ट्रांसमिशन रेट है वो बढ़ने के बावजूद भी हमारी मोर्टैलिटी रेट कम रहे। तो क्योंकि हम फ्लैटनिंग नहीं कर पाए हैं कर्व की, तो अब हमारा सेकेंड बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि हमारी मोर्टैलिटी रेट कम रहे। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ मिसिंग इन एक्शन। तो इसके लिए हमें एक क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन है कि डेली इंडिया नीड्स टू सब्सटैंशिएट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शनल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बाय बीइंग विजिबल एंड परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन ऑफ होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक कोविड-19 कॉमेंट। मतलब भारत को अगर अपनी पोजीशन मजबूत करनी है फंक्शनल डेमोक्रेसी के रूप में और उसको दिखाई देना है कि वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, तो उसको अपना जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करने का, वो फुलफ़िल करना चाहिए, स्पेसिफिकली उस वक्त जब कोई क्राइसिस हो जैसे कि कोविड का क्राइसिस है। इस बारे में हमें कमेंट करना है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया हुआ है, आप चाहें तो इस इंट्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो कोई और इंट्रोडक्शन भी आप फ्रेम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये देखिए मेरा पर्पस ये था बनाने का, क्योंकि आप लोगों को आंसर राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इसीलिए मैं आपको शो करना चाह रही थी एक आंसर से कि किस तरह से आपके आंसर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा आंसर परफेक्ट है, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये असिस्ट करेगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, इंडिया के जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने पार्लियामेंट को ऐसे इंस्टीट्यूशन देखा था जो सोशल और पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड करेगा। हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में पार्लियामेंट को एक मेजर रोल दिया गया है जिससे कि वो चेक और बैलेंस कर सके एग्जीक्यूटिव को। B.R. अम्बेडकर जी ने एक्सप्लेन किया था इस रेशनल को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रेशनल को इन शब्दों में। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म एक बेटर होता है जिससे कि गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल होल्ड कर पाते हैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस के थ्रू, मोशंस के थ्रू और डिबेट्स के थ्रू। यहाँ तक हमें जो है ये कोट में रखना है, यहाँ पे तो कोट डाला था, यहाँ पे कोट नहीं डाला है। अब कुछ दशकों से देख रहे हैं हम कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए कमिटीज़ वगैरह लाई गई हैं जिससे कि कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी हो सके। हाउएवर अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एबडिकेट करता हुआ नज़र आया है, स्पेसिफिकली कोविड-19 के वक्त। तो पार्लियामेंट का क्या रोल होता है एक फंक्शनल और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में? पहली चीज़ ये है कि ये कम्युनिकेट करता है सिटीज़न के कंसर्न्स को। दूसरी चीज़ ये स्क्रूटनाइज करता है लॉज को, नोटिफिकेशन को और बाकी एग्जीक्यूटिव एक्शंस को। तीसरी चीज़ ये डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में एक्ट करता है। चौथी चीज़ है ये माइनॉरिटीज़ के और वल्नरेबल सेक्शंस के कंसर्न्स को रेज करता है। और पांचवी चीज़ है ये ऑथराइज करता है एक्सपेंडिचर्स को। तो ये एक रोल होना चाहिए पार्लियामेंट का, और ये रोल पार्लियामेंट को नॉर्मल टाइम्स में भी प्ले करना होता है। बट इस वक्त पार्लियामेंट की नीड क्यों ज़्यादा है? तो पहला रीज़न ये है कि नेशनल लॉज जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। करंट जो स्टेप्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लिए जा रहे हैं, और ये अगर DMA की बात करें तो इसको जो है पैंडेमिक्स को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज़ कर रहा है क्योंकि कोई भी टेलर मेड एक्ट नहीं है इस एक्सीजेंसी से डील करने के लिए। एक दिन पहले जो है पार्लियामेंट को मतलब जो लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च को 24 मार्च तक पार्लियामेंट ने मीट किया था, फिर भी पार्लियामेंट ने फेल कर गई। एक अप्रोप्रिएट एक्ट उसने पास नहीं की, ना ही कोई प्रोएक्टिव स्टेप लिया टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जिससे कि वो कोविड के लॉकडाउन के वक्त मीट कर सके या वर्चुअली जो है किसी भी तरह का एक्ट या मीटिंग या डेलिब्रेशन कर सके। दूसरे तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की एब्सेंस यहाँ पे देखी गई है, और ये जो है सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव को प्रॉब्लम हुई है और उसको जो है मजबूरी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज़ करना पड़ रहा है। तो नेशनल लॉज पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट नहीं मिली इसीलिए नेशनल लॉ नहीं बनी है, टेलर मेड कोई लॉ नहीं है पैंडमिक से डील करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि सारे जो एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के उनको पार्लियामेंट अप्रूव करे। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सीरीज ऑफ मेजर्स
जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है उससे डील करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक जो है मेजर्स बताए हैं गवर्नमेंट ने, बट इनको जो है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के सामने सब्जेक्ट नहीं किया गया है। तो अगेन यहाँ पे जो है पार्लियामेंट का एक एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी देखी गई है। यहाँ पार्लियामेंट की नीड थी कि पार्लियामेंट को सारी जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना थी इसको जो है पार्लियामेंट को पूरा पूरा स्क्रूटनाइज कर। तीसरा क्या है कि MPs जो है लोगों की कंसर्न्स को रेज करते हैं, लोग जो है मिसरीज को फेस कर रहे हैं और उनको एक हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करने चाहिए इस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, जैसे कि किस तरह से पैंडमिक को स्टॉल करेंगे, कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे जो अफेक्टेड हैं, लॉस ऑफ लाइफ को कैसे मिनिमाइज करना है, इकोनॉमी जो इफेक्ट हुई है डिमांड साइड कितनी इफेक्ट हुई है, सप्लाई साइड क्या क्या चेंज इफेक्ट आए हैं। क्वेश्चनिंग करनी है हमें उन रिपोर्ट्स के बारे में जहां पर माइग्रेंट्स को मिसट्रीट किया गया है या ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पर माइग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर न केवल ऐसे इश्यूज़ को रेज किया जाता है बल्कि एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाता है जिससे कि इन प्रेसिंग इश्यूज़ पर जो है एक प्रॉपर और एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लाया जा सके, साथ साथ गवर्नमेंट की भी अटेंशन को ड्रॉ किया जा सके। यहाँ पर अगेन पार्लियामेंट अपने इस रोल में फेल करता हुआ नजर आया है। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं रिमोट मीटिंग को लेकर के, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोहिबिट नहीं करता मीटिंग्स को या कोई भी ऐसा, मतलब अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसी प्रोहिबिशन नहीं डाली है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रिक्वायर को मीट करके नॉर्म को आप फॉलो नहीं कर सकते, यह रिमोट मीटिंग को लेकर के कोई मनाही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को समन कर सकता है कि वो किसी भी वक्त मीट करे, किसी भी प्लेस पर मीट करे, जैसे भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ठीक लगे। तो प्रेसिडेंट अपने इस आर्टिकल 85 के पावर को यूज़ करके इस रिमोट मीटिंग्स करा सकते थे। साथ साथ रूल्स ऑफ पार्लियामेंट ये रिक्वायर करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ प्रिसिंक्ट के अंदर बैठें, बट स्पीकर जो है परमिट कर सकता है मीटिंग्स को पार्लियामेंट के बाहर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई प्रायर पार्लियामेंट्री एक्शन रिक्वायर नहीं था वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स हो सकती थी। तो क्या ऐसे में कोई प्रॉब्लम आएगी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि सुनने में आता है कि बहुत सारी टाइम जो है ये हैकिंग वगैरह होती रहती है। तो देखिए पार्लियामेंट की अगर कोई भी मीटिंग होती है, सिटिंग होती है, तो वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी होती है। ऐसे में अगर कोई वर्चुअल मीटिंग होती तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। जहां तक कमेटी की बात है तो कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो कमेटी की मीटिंग के लिए हमें सिक्योर वर्किंग टूल्स हमें डिज़ाइन करने थे, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो बहुत सारे एरियाज़ में अपनी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे पास इतनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, IT स्ट्रेंथ है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स को डिज़ाइन कर सकते थे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के लिए भी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ऐसे में, जहां पर हम आगे क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंटेरियंस खुद को कैसे व्यू करते हैं। अगर वो अपने आप को सेंटिनल्स ऑफ पीपल के रूप में व्यू करते हैं, मतलब लोगों के रक्षक के रूप में व्यू करते हैं, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। पिछले 3 महीने में 5,000 से के आसपास जो है नोटिफिकेशंस आई हैं कोविड पैंडेमिक को लेकर के। ऐसे में ये पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट कमेटीज़ को इनकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हाफ जो मीट करना था वो जुलाई में मीट करना था, बट जब एक्सीजेंस सर्कमस्टांसेस होते हैं तब उससे पहले भी मीट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट को जल्दी मीट करना चाहिए कुछ हफ्तों के अंदर ही। इंडिया जो खुद को प्राइड करता है ऐसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, तो इंडिया ये इंपेरेटिव है इंडिया का के पार्लियामेंट का कि वो डेमोक्रेसी और IT को हार्नेस करे और मीटिंग जो है करे जिससे कि हम एग्जीक्यूटिव को एक सही से डायरेक्ट कर सके, एज अ पार्लियामेंट सही से डायरेक्ट किया जा सके और एज अ नेशन मिल करके इस लड़ाई को लड़ा जा सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।